আজাদারো আমি অনেক সময় দিয়েছি আর না বাস এখনই শুনলেন কিন্তু একটি জানাজা ছিল যার জীবিত অবস্থায় जब हसन जिंदा थे तब उनके कलेजे के टुकड़े हुए हसन जब जिंदा थे उनके कलेजे के टुकड़े जहर की वजह से मार आए मेरा मौला हसन जो कुछ जीवित छिल विशेष कारों में उनार कलेजार टुकड़ो गुली बाई में से छिल ताइना बेटा कैमन बापेर पेचने थक बे बापेर जीवित अवस्था कलेजार टुकड़ो हुए छिल कासिम बोल बाबा अभी तुम्हार बेटा आछि आमार चाचार जनाजा शहादतेर परे घोड़ार पायर तले पामाल हबे ए बाबा सरदार भाई आप तैयार कीजिए ताबूत को निकालने के लिए हाँ अजीज हो करबला के तमाम जनाजे शहादत के बाद पामाल हुए बनी हाशिम के बहुत क्रिया किया पर हसन के यह यतीम जब घोड़ों से जमीन पे आए मौला हुसैन दौड़े कासिम को बचाने के लिए बस एक बार इधर से फौज जब दौड़ने लगे कासिम जिंदगी में घोड़ों में सुबह होते उनके जनाजे पामाल हुसैन जब पहुंचे लाखों नहीं आए खाने के लिए अच्छा पीने के लिए सजा काफी है प्रजा के जीने के लिए लोग असाधारो पता है हमारे सामने अब किसका जनाजा आ रहा है ये जो पीछे हमी
आए हो ना, हमारे कौन से शुरू हो ना, तुम उसका जनाजा उठाने आए हो ना, जिसका जनाजा उठाने वाला कर्बला में कोई न था, तुम उसका मतलब करने आए हो, जिसका क्रिया करने वाला कोई न था, या हुसैन 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 या हुसै
क्योंकि लगे बाद दिगरे जो ये आ रहे हैं ये हुसैन के अरमानों के जनाजे आ रहे हैं, ये हुसैन के फूलों के जनाजे आ रहे हैं। अदारों बड़े आराम से सुनते चले जाना क्योंकि कुछ ही तो जनाजे बचे हैं ना, क्योंकि अभी असहाब का जनाजा है, फिर उसके बाद अंसार का जनाजा आएगा। तुम्हारे बीच में सैदे से जनाजे बचे और तुम मातम करते चले जाओगे। अगर तुम ना मातम करोगे तो कौन मातम करेगा? अगर तुम ना क्रिया करोगे तो कौन क्रिया करेगा? अगर तुम ना रोगे तो कौन रोएगा? कौन सा जनाजा है जिसे तुमने पकड़ रखा है? ये अम्मार का जनाजा है। कज़ादारों ये अम्मार जानते हो कौन है? ये अम्मार वो है जिन्हें करबला के जंग में बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। इमाम के पास आकर कहते थे वाला प्यास मारे जाती है, माला प्यास मारे जा रही है। लो असादारों पीछे देखो एक और जनाजा रहा है, जानते हो ये कौन जनाजा है? ये अब्दुल्ला का जनाजा है। ए असादारों ये वो अब्दुल्ला है जो करबला के जंग